हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप दिख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में। आज हम इसका डिटेल टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले। इसी का ये शेयर जो बहुत दिनों से लगातार गिरावट करते जा रहा है, बहुत से इन्वेस्टर्स का इसने नुकसान किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कहां तक ये शेयर जा सकता है, इसके सपोर्ट लेवल क्या है, इसके फंडामेंटल्स की भी हम बात करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है। तो शुरू करते हैं, पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस पूरा कर लेते हैं। बात करें इनके बिजनेस की, तो इनका बिजनेस जो है वो पावर सेक्टर में आता है। रिन्यूएबल सोर्सेज में इनका जो है अच्छा खासा बिजनेस जो है फैला हुआ है। अगर बात करें मार्केट कैप की, तो 1171 का इनका मार्केट कैप है, तो बड़ी कंपनी है। 46 का इनका जो है स्टॉक पी है, इंडस्ट्री स्टॉक पी 15 है, तो इंडस्ट्री स्टॉक पी से कम स्टॉक पी अवेलेबल है, फिर भी इसका स्टॉक पी जो वो बहुत आगे जा चुका है। ये कंपनी के बारे में माइनस पॉइंट है, तो इसे हम कंसीडर करना चाहिए। अगर बुक वैल्यू की बात करें, तो 6 की बुक वैल्यू है, 6.91 की इसकी बुक वैल्यू है, लगभग 7 के आसपास। करंट प्राइस जो वो 15.6 है, तो करंट प्राइस थोड़ी सी बुक वैल्यू से आगे बढ़ चुकी है, लगभग दुगने वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रही है। आरओसी जो है वो 3.99 है और आरओई है वो -11 है। इस पे जो है, क्योंकि इस पे जो है अच्छा खासा कर्जा है 1255 करोड़ का, तो इसका डिप टू इक्विटी रेशियो भी बनता है 2.42%। मतलब ज्यादा कर्जे में कंपनी है, आरसी आर इतना अच्छा खासा नहीं दे रही है। स्टॉक पी इसका जो ज्यादा आगे बढ़ चुका है, बुक वैल्यू भी कम है और करंट प्राइस जो वो ज्यादा है, तो ओवरऑल चेक करें तो इतना अच्छा खासा यहाँ पे जो हमें नंबर्स जो है नहीं दिख रहे। प्रोज में अगर हम पॉइंट्स चेक करें तो कुछ भी नहीं अवेलेबल, कोल्स में जो है ज्यादा पॉइंट्स है, तो इसमें भी हमें यही पता चल रहा है कि कंपनी थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे करके हुए दिख रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें, तो पिछली बार 61.62 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि बहुत ही इसने जो है तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया था। लेकिन उसे कंसीडर करें अगर हम इस प्रॉफिट से, तो 5 करोड़ का इधर प्रॉफिट किया है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बहुत तेजी से कम हुआ है, लगभग 10 टाइम्स जो है पिछली बार से यहाँ पे प्रॉफिट कम होते हुए दिखाई, जो कि एक बहुत ही बहुत नेगेटिव पॉइंट है। तो इस वजह से लोग यहाँ पे जो है बहुत डर चुके हैं कि प्रॉफिट जो है इतनी तेजी से कम हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इसे पास्ट कंपेयर करें, तो कंपनी ने लॉस भी किया था, 43 करोड़ का लॉस, 20 करोड़ का लॉस, तो यहाँ पे कंपनी लॉस से उभरती हुई दिख रही है। यहाँ पे 0.94 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उसके बाद 61 और अभी जो है 5, तो यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने किया है, फिर बहुत कम प्रॉफिट है पिछली बार से कंपेयर करें तो। सेल्स भी कम हुई है, सेल्स तो कम हुई है, 82 की सेल्स है, उससे पहले 115 की इनकी सेल्स थी, तो सेल्स भी कम हुई है। सालाना प्रॉफिट में अभी पॉजिटिव में चल रहा है, डीटीएम का 25 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। सेल्स अगर चेक करें, तो 311 की सेल्स हमें देखने को मिल जाएगी। ये एक इनके एवरेज सेल्स है, इनकी जो आंकड़ा है वो 300 एंड 400 के बीच में ही चलता है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 400, 300, 200 यहाँ पे उसी लेवल पे ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है, तो ज्यादा कम भी नहीं हो रहा है, ज्यादा बढ़ भी नहीं है रही है इनकी सेल्स। प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, प्रॉफिट में कंपनी है, पिछली बार लॉस किया था, इस बार जो प्रॉफिट में देखने को मिल जाएगी, जो एक अच्छी बात है। अगर हम इसके कुछ रेशियोज की बात करें, तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर में बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। 10 सालों का अगर हम देखें, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड जो है वो 1% था, 5 ईयर्स का 7 हुआ, 3 ईयर्स का 16 और 1 ईयर का जो है वो 500 हुआ, तो यहाँ पे जो है बहुत ग्रोथ हुई है पिछले साल में, यहाँ पे जो है स्टॉक प्राइस सीएजीआर में जो है अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो अगर बात करें अदर जो इनके जो है रेशियोज की, तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो वो 2% थी पिछले 10 सालों की, 5 ईयर्स में -3 हुई, फिर 3 ईयर्स में जो थी और भी बुरा हाल हुआ, -10 तक पहुंच चुके थे। टीटीएम का जो चेक कर तो 14 है, तो सेल्स ग्रोथ हुई है, सब कुछ यहाँ पे जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, सिवाय रिटर्न ऑन इक्विटी के, तो यहाँ पे जो है इसके अलावा बाकी रेशियोज में जो है अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। एसेट्स जो है थोड़े से कम हुए, 1900 के इनके एसेट्स अभी चल रहे हैं, अगर पास चेक करें तो 3500 के भी इनके एसेट्स थे, फिर जो है कम होते 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 यहाँ पे जो इस बार पिछले बार से तो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे, फिर भी यहाँ पे जो ग्रोथ जो है नहीं हुई है। अगर बात करें इनके कैश फ्लो की, तो 5 का इनके पास जो है पॉजिटिव में कैश फ्लो अवेलेबल है, 48% शेयर प्रमोटर्स के पास है और पब्लिक के पास जो है 46% है, सबसे ज्यादा प्रमोटर्स के पास है, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। और इसी के साथ जो है डीआईएस के पास भी 4.96% यहाँ पे शेयर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इनके प्रॉफिट जो है वो बढ़ नहीं रहे, प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है इसके बुक वैल्यू और स्टॉक पी के हिसाब से। इसी के बाद कंपनी में कर्जा भी है और आरओई आरसी भी इतना अच्छा खासा नहीं दे रही है। आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पे, जो फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकल चार्ट देख लेते क्या कह रहा है। तो टेक्निकल चार्ट भी वही है, इतना स्ट्रांग नहीं है, लगभग 28 के वैल्यू से ये शेयर जो है 15 के वैल्यू तक आ चुका है। कितना यहाँ पे जो लॉस हुआ है हम चेक कर लेते हैं लोगों का, तो अगर हम यहाँ पे जो लॉस चेक कंसिडर करें,
तो इस वैल्यू से इस वैल्यू तक अगर हम देखें तो 44% का लॉस जो है लोगों ने यहाँ पे उठाया हुआ है। अगर बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट लोगों ने कितना उठाया था इसके पास में, तो यह शेयर जो था 4 के लेवल से जो था 28 के लेवल तक हो चुका था। तो 4 से 28 तक बहुत बड़ा प्रॉफिट लोगों ने यहाँ पे उठाया था, तो 500% का प्रॉफिट लोग उठाया था। तो उस लेवल से जो 40% की गिरावट भी हुई है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है तो उसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल मुझे आता हुआ दिख रहा है वो लगभग 12 रुपीज के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। ऊपर से अगर हम इसे देखें तो इसने जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बनते हुए हमें दिख सकता है अच्छे कैसे वैल्यूएशन पे। अगर हम चेक करें तो ये यहाँ पर जो है सपोर्ट बन सकता है, इसे ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट जो है वो 9 रुपीज का बनता है, तो ये सेकंड सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो फंडामेंटल्स इतने अच्छे खासे नहीं है, इसी के टेक्निकली भी बहुत तेजी से यहाँ पे गिरावट हो रही है, लोअर सर्किट भी लगा रहा है शेयर और तेजी यहाँ पे जो रुकने की कोई नाम नहीं रहे, तो उसकी वजह से जो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क भी है, लेकिन पब्लिक वोट फिर भी बाय की तरफ ही है। 72% लोग अभी भी बाय की तरफ ही वोट करें, सेल की तरफ 15 और होल्ड की तरफ 12, तो लोगों का मूड फिर भी बाय की तरफ है, लेकिन टेक्निकल चार्ट और हमें जो है फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो सेल ही बता रहे हैं। यहाँ पे जो है बाय करना थोड़ा सा रिस्की काम मुझे लग रहा है। ओवरऑल चेक करें तो मैंने आपको जो है सपोर्ट लेवल बता दिए। इसी के साथ जो है थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। थैंक यू।